शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेहराबपुर सिंध की जानिब रवाना है। हमारे साथ खलीफा नईम बलोच, अब्दुल्ला अब्दुल बासित और सलीम मरवत बैठे हुए हैं। और मेहराबपुर में एक प्रोग्राम है, हैदराबाद से होते हुए रास्ते में एक जगह स्टे करना है हमने, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेहराबपुर पहुंचेंगे। वहाँ एक प्रोग्राम भी है और वहाँ कुछ साथियों ने आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन में आज शमूलियत का ऐलान करना है। अभी इस वक्त हम लियारी एक्सप्रेसवे का जो कॉर्नर है वहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक कराची के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो आने वाले हैं और आपको बताते चलें उस उस्ताद का नाम, वो आएंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त कराची की जो दूसरी हाईएस्ट एवरेज थी, जो कराची का मौसम गर्मा का 2020 का टूर्नामेंट था उसकी जो दूसरी हाईएस्ट एवरेज थी वो उस उस्ताद की थी। यानी पहले नंबर पर हमारी थी 116.5 घंटे की, 7 उड़ानों में 812 घंटे 32 मिनट, और सेकंड जो एवरेज थी वो 109 घंटे की थी, 5 उड़ानों में 545 घंटे और 42 मिनट बनाए थे उन्होंने। तो उस उस्ताद का नाम अगर किसी भाई के जहन में आ गया तो कमेंट में लिख दें, और इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में वो आ रहे हैं, उन्हें लेके इंशाल्लाह हमने चलना है आगे और फिर आपकी खिदमत में उनके साथ पेश होते हैं। जब आप जी, इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं और वो उस्ताद जिनका इंतजार था वो भी आ चुके हैं, आपको उनका चेहरा भी दिखाते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने अब तक उनका नाम लिख लिया होगा। तो वो जो उस्ताद हैं वो उस्ताद हाजी शाह जमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लियारी अलायंस की जानिब से इन्होंने जो टूर्नामेंट उड़ाया गया था उसमें 545 घंटे और 42 मिनट 5 उड़ानों में बना के कराची की सेकंड हाईएस्ट एवरेज बनाई थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ाने वाले हैं और हर साल इनकी अच्छी पोजिशन में छत फाइट करती है। अब 2021 में देखते हैं कि किस पोजीशन में इनकी छत फाइट करती है। मातली ये मेहराबपुर की जानिब हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इंशाल्लाह कितने बजे तक हम पहुंचते हैं और आपको हम रास्ते में रास्ते के हवाले भी दिखाते हुए जाएंगे। और इंशाल्लाह मेहराबपुर में और रास्ते में न्यू सईदाबाद में स्टे करना है, और उसके बाद भी एक जगह स्टे का भी कॉल आई थी कि कुछ साथी वहाँ मुलाकात करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे और हर जगह आपको अपने साथ रखेंगे। ये हैदराबाद हम पहुंच चुके हैं, यहाँ हमें ज्वाइन किया है उस्ताद जफर खान ने, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन, साथ उस्ताद हाजी जमान और करीमुल्ला भाई, पीछे करीमुल्ला भाई खड़े में ये अब नजर आएंगे, करीमुल्ला भाई खड़े में और जफर भाई के भाई हैं छोटे। इंशाल्लाह अब यहाँ से हम बरास्ता न्यू सईदाबाद। न्यू सईदाबाद पहुंच चुके हैं अब हम, यहाँ हमारी गाड़ियों का काफिला अब जमा हो चुका है। तो नमाज का कंडियारो होते हुए इंशाल्लाह हम यहाँ से पहुंचेंगे मेहराबपुर। क्या था बाबा
पंडाल की तरफ रवाना हो चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे गौर से सुने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप पिंडाल में यहाँ मौजूद तमाम शौकीनों का और इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में जहाँ कहीं भी मुझे देखा जा रहा है, इन तमाम दोस्तों साथियों को मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं दिल की अता और गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों साथियों का, यहाँ पर मौजूद तमाम अराकीन का, बिलखसूस मेहराबपुर का, अहलियान मेहराबपुर का, जिन्होंने हमें आज इस हसीन महफिल में बुलाकर इज्जत बख्शी, हमें प्यार दिया, हमें मोहब्बत दी। ये शायद जब तक हम जिंदा है ना भुला सके। और चूंकि वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है तो मैं चंद इंतहाई अहम कुछ बात करके आपसे इजाजत लूंगा। के ऑल पाकिस्तान कोहिनूर विजन वेलफेयर एसोसिएशन कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान में अपने कामयाबी के झंडे अलहमदुल्ला गाड़ चुका। इस वक्त पाकिस्तान से बाहर दुनिया के 5 ममालिक में आल पाकिस्तान कोहिनूर विजन वेलफेयर एसोसिएशन अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और ये पूरे अहलियान पाकिस्तान के शौकीनों के लिए एक फख्र की बात है कि आपका क्लब पूरी दुनिया में काम करने के लिए सामने आ चुका और आल पाकिस्तान कोहिनूर अनकरीब आल पाकिस्तान कोहिनूर इंटरनेशनल पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के नाम से काम करेगा। और जो लोग भी इस कोहिनूर का हिस्सा हैं, उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र होना चाहिए कि वो जिस पार्टी से, जिस तंजीम से, जिस एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, वो आपके शौक को पूरी दुनिया में मुतारिफ करने के लिए जा रहा है। और इंशाल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ मेहराबपुर के शौकीनों को एक नए शौक, एक नए शौक, एक नए जज्बे के साथ मौसम गर्मा से इंशाल्लाह शानदार दान एवं देने की प्लान कर रहा है। हमारा मकसद शौक को प्रमोट करना है, हमारा मकसद इस शौक को इज्जत दिलवाना है, हमारा मकसद इन शौकीनों को कामयाबी की तहलीज तक पहुंचाना है, जिसमें मुझे और मेरी पार्टी को आपका साथ चाहिए। और इंशाल्लाह मौसम गर्मा में मेहराबपुर में जो यहाँ यूनियन बनाई गई है डॉक्टर साहब की, उस्ताद यूसुफ और यहाँ के तमाम नुमाइंदों के साथ मिलकर ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसे आल पाकिस्तान कोहिनूर विजन वेलफेयर एसोसिएशन की मरकजी कमेटी की जानिब से 1 अदद बाइक और दीगर इनामात मरकजी कमेटी की जानिब से दिए जाएंगे।
और मेहराबपुर के शौक को इंशाल्लाह ये एक सिंधी पहचान बनाएंगे। कल बड़े बड़े असाफा कराम, बड़े बड़े शौकीन इस मेहराबपुर से निकलने वाले हैं और आज का ये दिन इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की शुरुआत साबित होगा। और शोक के हमने बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाए, कबूतर उड़ाने के हवाले से, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, पार्टी के हवाले से हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए। सब कुछ कामयाबी अल्लाह पाक ने दे दी, लेकिन आज हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए। सब कुछ कामयाबी अल्लाह पाक ने दे दी, लेकिन आज अगर हमारे पास कमी है जिसे मैं एक नाकामी समझता हूँ हमारे इस पूरे शोक में, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शोक क्लब से ताल्लुक रखता हो, अगर आज हमारे पास कमी है तो वो सिर्फ इखलाकियात की कमी है, इंसानियत की कमी है, इंसाफ की कमी है, छोटे बड़े की तमीज की कमी है। इंशाल्लाह आज के बाद हमने ये बेड़ा उठा लिया है कि जिस तरह कराची को मुनज्जम किया, इंशाल्लाह इसी लेवल पर सिंध को मुनज्जम करना है। हमने प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर चलना है। मेहराबपुर में भी अगर कोई मुखालफीन है तो हम सब, हमारी यूनियन का फर्ज है कि हमने उसे भी इज्जत देनी है, क्योंकि वो एक शौकीन है, हमारा मुखालिफ है। मुखालिफ को इज्जत देंगे तो हमारा नाम दुनिया में बनेगा। आप मुकाबला मुखालिफ से ही करते हैं, और अगर आज अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में इज्जत दी तो अपने मुखालिफीन की कदर की वजह से इज्जत दी, इस प्यार की वजह से इज्जत दी। इंशाल्लाह बेशक अगर कोई शोक किसी भी क्लब से करना चाहे, लेकिन एक दूसरे से जब हम मिलेंगे, हमारी मिलनसारी, हमारी खुशी अखलाकी, हमारा मोहब्बत, हमारा प्यार इस तरह उनकी जिंदगी में जाना चाहिए कि जिस तरह इस शोक की वजह से हम सगे भाई बना हुए, लेकिन इस शोक की वजह से ये रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ बात करना, किसी दूसरे मुखालिफ को बुरा कहना, ये इस दुनिया में भी तबाही का एक जरिया है और आखिरत में भी तबाही का जरिया है। हम छोटी छोटी बातों पर गीबत करके अपने लिए आखिरत में हम बहुत बड़ी बुराइयां जमा कर रहे हैं। अगर हम प्यार देंगे तो ये दुनिया भी हमसे राजी होगी, अल्लाह भी हमसे राजी होगा। हमने अल्लाह को राजी करने वाला बन जाए, अल्लाह को राजी कर ले, ये शौक इंशाल्लाह खुद ही कामयाबी की तरफ चला जाएगा। यहाँ छोटे छोटे जो मामलात हैं उनको आप लोगों ने बैठकर खुद बैठकर उन मामलात को हल करना है। हमने किसी दूसरे के दरवाजे को जाके नहीं खटखटाना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान को यूरोपियन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड मेहराबपुर में अपनी बुनियाद डालकर जा रही है। और मैं डॉक्टर मोहकम साहब का, अल्लाह रखी और नारी साहब का, उस्ताद अफजल अली, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ के लिए मैं एक बात कहता चलूं कि ये छोटे छोटे जो मसाइल शोक के हवाले से मुंसलिक कर दिए जाते हैं किसी शौकीन से, तो इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें। अगर कोई शौकीन अच्छा है तो उसकी जरूर कदर करें। आज हमारी काबीना यहाँ उन्हें उस्ताद कहकर मुखातिब कर रही है, तो इंशाल्लाह वो उस्ताद है और उस्ताद ही रहेंगे। और कंडियारों के खलीफा फिदा हुसैन का और यहाँ की पूरी काबीना का, अब जिसे डॉक्टर साहब और ये काबीना चॉइस करेगी अपनी मुस्तकिल काबीना बनाने के लिए, मैं उन सब का अभी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शोक की कामयाबी के लिए जो ये कदम उठाया गया, ये शोक पर